In 1531 AD, Shesha was the ruler of Bihar province. On receiving this news, Amayu sent one of his companions to Junpur for analyzing the situation. Shesha treated him warmly and demonstrated his utmost loyalty by offering valuable gifts. Amayu was in, informed that there was no reason to worry about Shesha and he is still obedient to Humayun. Thus, information alerted Humayun's concerns. 1531 में शेरशाह सूरी जो था वो एक ख़ुद मुख्तार हुक्मरान था बिहार का सुबह बिहार का ऑन रिसीविंग दिस न्यूज़ और इस खबर के मिलते ही इस किस्म की अतलात के मिलते ही उसने अपने साथी हमारियों ने अपने साथी कंपेनियंस मीन साथी अपने साथियों को सूरत आल का जायजा लेने के लिए एनालाइजिंग एनालाइजिंग मीन जायजा लेने के लिए सिचुएशन हालात का सूरतआल का जायज़ा लेने के लिए अपने साथी आ, साथियों को वहाँ पे भेजा शेर शाह ट्रेडेड एम वार्मली एंड डेमोस्ट्रेटेड हेज़ अर्टमोस्ट रेलिटी बाईफ्रेंड वेल्यूएबल गिफ्ट ठीक है शेरशाह ने बहुत गर्मजोशी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ सलूक किया अच्छा सलूक किया और और उनको अपनी वफादारी का सबूत दिया कामिल सबूत दिया अपनी वफादारी का एंड और उनको बहुत से कीमती तइफ़ भी दिए हमारों वाज इन्फॉर्म दैट देयर वॉज नो रीज़न टू वरी ठीक है हमारीों को ये इतला मिली कि शेर शाह की तरफ से किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं शेर शाह हमारा फर्मा बरदार है हमारियों का स्टिल ओबीडियट फर्मा बरदार है ताबे है दिस इंफॉमेशन अलाइड कंसर्न और हमारियों भी इस इंफॉर्मेशन के साथ मतम हो गया इस, इस मालूम के साथ वो मतम हो गया आफ्टर सम वीक्स Amayu got the news that Shesha had raised a siege of Gaur, the capital of Bengal. Amayu got furious on Shesha's move and decided to march against him. Meanwhile, Shesha took control of a large area. Amayu resolved to make an advance in Bengal. Amayu kept advancing without any resistance and entered Gaur in 1538 AD. Victory of Gaur was apparently a big accomplishment of Amayu, but he wasted eight months in celebrating this capture in the meantime she